morning. मुझे बताओ आपने मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं? नेहा चेक और सिट डाउन। चेक कहाँ पर जमा किया जाता है? सोना बताइए। वेरी गुड, बैठ जाओ। बैंक में चेक जमा करने पर हमें क्या मिलता है? शेफाली गुड, बैठ जाइए। पैसे को अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? प्रीति बताइए। सर पैसे को अर्थशास्त्र की भाषा में मुद्रा कहते हैं। बैठ जाइए। मुद्रा से आप क्या समझते हैं? मनस्वी कोई बात नहीं, बैठिए। बच्चों आज का हमारा उपक्रम है भारतीय मुद्रा। आज हम भारतीय मुद्रा नामक पत्र का अध्ययन करेंगे। जैसे हम पूर्व में सीख भी चुके हैं प्राचीन काल में वस्तुओं को किस प्रकार खरीदते थे। मनस्वी सर वस्तु विनिमय के द्वारा से गाँव। वर्तमान समय में हम वस्तुओं को किस प्रकार खरीदते हैं? आप बताइए। सर आज के समय में हम वस्तुओं को पैसे देकर खरीदते हैं जैसे मौद्रिक विनिमय। धर्म को अर्थशास्त्र की भाषा में मुद्रा कहते हैं। मुद्रा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मणि शब्द से हुई है। मणि का अर्थ होता है अर्थात मूल्यवान रत्न, ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय आसानी से कर सके मौद्रिक विनिमय होता है। मुद्रा दो प्रकार की होती है, नंबर एक धातु मुद्रा और नंबर दो पत्र मुद्रा। मुद्रा को सरकार या सरकार के आदेश अनुसार केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। मुद्रा जिससे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। मुद्रा कितने प्रकार की होती है? नंबर एक नंबर दो पत्र मुद्रा। सभी विद्यार्थी अपने अभ्यास क्षेत्र में श्याम पट पर जो लिखा है लिख लीजिए। लिख लिया? मुद्रा कितने प्रकार की होती है? बारह। गुड, सिट डाउन। मुद्रा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? शेफाली। मुद्रा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से। शाबाश, बैठिए। धातु मुद्रा से आप क्या समझते हैं? शेफाली। मुद्रा एक्सीलेंट, सिट डाउन।
आप मेरे हाथों में क्या देख रहे हैं? प्रीति सर ये 50 का नोट। गुड, बैठिए। 50 का नोट किस पदार्थ का नाम है? मनस्वी। गुड, बैठिए। कागज पर छपी मुद्रा को पत्र मुद्रा कहते हैं। यह भारत सरकार के द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए के नोट से अलग जितनी भी मुद्राएं प्रचलन में होती हैं, उन सब पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और भारत में 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। यह मुद्रा कम स्थान लेती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सकती है। पत्र मुद्रा का क्या अर्थ है शेफाली? बहुत खूब, बैठिए। 100 रुपए का नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? मनस्वी। गुड, बैठिए। 5 रुपए का सिक्का कैसी मुद्रा है? नेहा। बैठिए। शेफाली पढ़िए। पत्र मुद्रा से आप क्या समझते हैं बताइए? पत्र मुद्रा वह मुद्रा जो कागज पर छपी हो तथा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके तथा जो कम स्थान है। गुड, बैठिए। तो बच्चों आपका आज का ग्रेड कार्य है मुद्रा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। लिख लिया? यस सर। हटा दो।